भाई आपने ये सीमेंटेड रोड और हाईवे पे और एक्सप्रेसवे पे जरूर नोटिस किया होगा, जब भी हम इस पे चलते हैं तो बीच बीच में हर 2-3 किलोमीटर के बाद एक 50 मीटर का 40 मीटर का एक स्ट्रेच आता है जो कि डांबर का बना हुआ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, वो उसका रीज़न क्या है कि भाई जो हम सीमेंटेड रोड पे चलते हैं या हाईवे एक्सप्रेसवे पे चलते हैं उस पे गाड़ी बड़ी तेज़ी से चलती है और कभी कंटिन्यूसली चलती रहती है, तो जिससे कि वो हीटअप हो जाती है। तो जो डांबर का वो स्ट्रेच आता है 50 मीटर का 40 मीटर का जो भी है, वो इसलिए आता है क्योंकि वो टायरों को थोड़ा ठंडा कर देता है। अभी मैं चल रहा हूँ तो देखिए बीच बीच में वो भी आ रहा है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि भाई मेरी गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है और वो टायरों को ज़्यादा गर्म ना होने दे, इस वजह से हर 1-2 किलोमीटर के बाद वो स्ट्रेच आता है और मेरे टायरों को थोड़ा सा रिलैक्स कर देता है, जिस वजह से गाड़ी अच्छी चलती है और टायरों के फटने का खतरा नहीं रहता। तो जानकारी कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके।